हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दिव्य की मीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं। मुझे भी पता है कि लोग कितना ज्यादा अल्कोहल के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग बजट में ही चलते हैं, और बजट में जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स आते हैं, देसी का मतलब कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स आते हैं ना, उनके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही एक शानदार रम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि मैं ये सिंगल मोल्ड पीता हूँ, मैं स्कॉच विस्की पीता हूँ, लेकिन जिस टाइप की सर्दी आजकल चल रही है ना, जैसा कोहरा, जैसी धुंध आजकल पड़ रही है भाई, इस टाइप की रम आपको इस सर्दियों में चाहिए। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में इसका डिटेल रिव्यू करेंगे और टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि कंटेसा रम आपको पीने में क्या एहसास देगी, कितने में आपको मिल जाएगी। वैसे तो दोस्तों, ये एक ऐसा ब्रांड है कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट, लोगों को इसका बजट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्मी कैंटीन की अगर बात की जाए तो वहाँ तो धड़ल्ले से सेल में रहती है। अगर आप किसी भी आर्मी के ऑफिसर से पूछोगे, आर्मी पर्सन से पूछोगे, तो सबसे पहले ओल्ड मॉन्क से पहले वो कंटेसा रम का नाम लेगा। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से अगर आप पूछोगे जो कि ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, तो सर्दियों में वो वही बोलेंगे कि कंटेसा रम मैं पीता हूँ। और मैं एक चीज़ देख रहा था कि किसी भी क्रिएटर ने इस ब्रांड के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो भाई, आपका भाई, आपका देसी भाई आज इस इंडिया की देसी रम का रिव्यू करेगा और आपको बताएगा कि ये पीने में कैसी है। तो दोस्तों, कंटेसा रम प्रोडक्ट है रेडिको खैतान कंपनी का, और रेडिको खैतान कंपनी की अगर बात की जाए तो अल्कोहल इंडस्ट्री में काफ़ी बूम पे ये जा रही है। काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में हैं, कईयों की तो सेल काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे कि मैजिक मूवमेंट वोट का 8 PM विस्की, उसके बाद इनकी सिंगल मॉल्ट भी आती है, रामपुर सिंगल मॉल्ट, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी कंपनी से, उसी पोर्टफोलियो से ये कंटेसा रम आती है। अब ये कंटेसा रम आपको कैंटीन में भी मिल जाएगी, आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप CST कैंटीन से लोगे तो आपको 160 रुपये से लेके 180 रुपये की पूरी बॉटल मिल जाएगी। जी हाँ, 160 रुपये से लेके 180 रुपये की पूरी बॉटल, और वो जो बॉटल आपको मिलेगी वो प्लास्टिक की बॉटल होगी। अगर आप नॉर्मल किसी वाइन स्टोर से ले रहे हो तो आपको कांच की बोतल मिलेगी। जी हाँ, ये मैंने भी नॉर्मल वाइन स्टोर से लिया है, वहाँ से कांच की बोतल आपको मिलेगी, और आपको पंजाब में 400 से लेके 450 रुपीज़, 450-450 के आसपास आपको मिल जाएगी। इसकी जो लुक है, इसकी जो शेप है, काफ़ी ओल्ड फैशन है, काफ़ी एक आपको पुरानी यादें ताज़ी हो जाएगी इसकी बॉटल देखते हुए, क्योंकि काफ़ी अच्छा, काफ़ी एक गोल सा डिज़ाइन है इसका। कलर आपको देखने में प्रॉपर एक रम वाली फील देगा। जी हाँ, देख के ही मुझे लग रहा है कि यार, इसको पीने में एक नशा होगा, इसको पीने से एक बॉडी में गर्मी आएगी। आएगी या नहीं आएगी ये बात की बात है, लेकिन देख के लगता ज़रूर ऐसा कि यार, इसको पीने से ना अंदर शरीर में एक एक तपश, एक गर्मी आ जाएगी। चलिए इसके एक बार इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। डीमिनराइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट्स जो कि मोलासेस होते हैं, एंड मैच्योर्ड केन स्पिरिट्स। इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ किया गया है, और आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग भी आपको इसमें मिलाए हुए मिलेंगे। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, एक चीज माननी पड़ेगी, कलर देखते ही यार सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि एक दो ड्रिंक्स तो इसके जल्दी से ले लिए जाए। कलर बहुत ज्यादा शानदार है। चलिए मैं आपको कलर दिखाता हूं। डीप ब्राउन एक चॉकलेटी कलर है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। खासकर आजकल के ठंडे माहौल में कलर देख के ही काफी प्यारा लग रहा है। चलिए इसकी एक नोज करते हैं। चीयर्स। दोस्तों, एक टिपिकल रम जैसी खुशबू इसमें से आ रही है। चलिए करते हैं इसको टेस्ट। चीयर्स। हल्की सी बर्निंग दे रही है, लेकिन प्योर रम जैसा टेस्ट है, प्रॉपर एक ओरिजिनल रम जैसे होती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। काफी वार्म फीलिंग मुझे आ रही है, हल्का दवाई जैसा भी टेस्ट इसमें आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी सर्दी को भगाने वाली कोई दवाई मैं पी रहा हूँ, और जैसे जैसे नीचे जा रही है, एक वो
तगड़ा इफेक्ट, एक गर्मी का एहसास ऐसे चीरती हुई नीचे जा रही है और प्रॉपर मुझे फील हो रहा है कि मैंने कोई चीज पी है। गुड़ का टेस्ट आ रहा है, जैगरी का टेस्ट आ रहा है और बिलीव मी जैसे जैसे नीचे जा रही है ना, आपको फील होगा एक वो बर्निंग इफेक्ट पूरा अंदर तक फील हो रहा है। काली मिर्च जैसा टेस्ट मुझे आ रहा है मेरी टंग के ऊपर और जैसे ही गले के नीचे उतर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि काली मिर्च को मैंने अपनी टंग के ऊपर रख दिया हो। भाई थोड़ा थोड़ा पसीना मुझे आना भी स्टार्ट हो गया है, सर्दियों के दिन है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ लग रही है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। दोस्तों पानी ऐड करने के बाद भाई एक बार कलर चेक करो इसका, कितना शानदार, कितना डीप ब्राउन कलर इसका आया है, बहुत सुनहरा, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। दोस्तों इसको पीने के बाद बॉडी में गर्मी आएगी या नहीं आएगी ये तो बाद की बात है, लेकिन इसको पीने में एक फील जरूर आ रही है। ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि मैं कोई ओरिजिनल रम पी रहा हूँ, कोई भी मैं एक तगड़ी चीज़ पी रहा हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक एक इफेक्ट देने वाली, एक दिल पे छाप छोड़ने वाली ये एक रम है। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो ये एक अच्छी रम है, आपको ज़रूर इस सर्दियों में ट्राई करनी चाहिए। किस किस ने इसको पिया है, किस किस की ये फेवरेट है, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और चीयो।